नमस्कार, मैं हूं शुभम और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पे कल दो जजों की बैठक ने कई प्राकृतिक चीजों को इंसानी अधिकार दे दिया। आपको बता दें कि ये जो इंसानी अधिकार दिए गए हैं वो उनकी संरक्षण के लिए है। अब इन प्राकृतिक चीजों के पास भी वही कानूनन अधिकार है जो हमारे पास है। आपको बता दें कि सबसे पहले ये जो अधिकार है वो गंगा और यमुना नदी को दिए गए थे, जिसको फॉलो अप करते हुए इन्होंने अब ग्लेशियर्स, हवाएं और जो नदी नाले और झरने हैं इनको भी इंसानी अधिकार दे दिए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की जो दो जजों की बैठक थी उन्होंने खासा जोर जो है वो ग्लेशियर्स पे दिया है, और गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर्स जो है वो अभी इंडिया में सबसे बड़ी ग्लेशियर्स और साफ पानी का सबसे बड़ा स्रोत है और कहीं ना कहीं बहुत तेजी से पिघल रहा है, जिसको संरक्षित करने की जरूरत है। आपको बता दें कि सबसे पहले ये अधिकार गंगा और यमुना नदी को दिया गया था। ये जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के वांगनुई नदी से के बाद ही शुरू हुआ है, जो एक कतार सी लग गई है। वांगनुई नदी को विश्व में सबसे पहला कानूनन अधिकार दिया गया था, जिसके बाद इंडिया में गंगा यमुना को दिया गया, और अब जो है हाईकोर्ट जो है उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने नदी नाले और ग्लेशियर्स को भी दे दिया। अभिषेक के साथ शुभम, दिल्ली।